तेरी कसी करूल तेरे हिर मरघट का मैं सोल तेरी कसी करूल तेरे मरघट का मैं सोल बोल मने भोलिया कह दिया रे भोलिया कह दिया तेरी काशी का रोल तेरे मरगढ़ का मैं सोल तेरी काशी का रोल तेरे मरगढ़ का मैं सोल राजस्थान के बहुत ही विद्वान बहुत ही धार्मिक श्रोताओं अगर रागनी राजस्थान में नहीं सुनेगी रागनी तो हरियाणवी कहते हैं लेकिन अगर ये राजस्थान में नहीं सुनेगी तो फिर कहीं रागनी सुनी नहीं जाएगी। किसी के दर्द में किसी की खुशी में शामिल होना बराबर की बात है। आप किसी के दर्द में शामिल होगे तो कोई आपके दर्द में शामिल होगा। मालिक साहब ये 50 रुपए एक नौजवान साथी देकर गया है। तर्ज बहुत पुरानी है, तर्ज है 200 साल पुरानी और आदमी था 25-30 साल का। ये कदर है, कदरदानी है। धन्यवाद करते हैं मालिक साहब। हरिया गजब हो गए। उस दुखिया की दास्ता हमें सुना दे, क्या क्या हालात गुजरे। सुनिए मालिक साहब बताइए। फिर सुने ते सुनाऊ मैं काले दुखिया री कहाल चीर तार लाया रहोगे जुला मैं कमाल चीर तार लाया रहोगे जुला मैं कमाल मेरे शमशाना मैं करती फिरगी लाल हाय लाल दुखिया री के एक बेटा वो भी पा गया काले दुखियारी का एक बेटा वो भी पा गया काले उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सतार उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सतार मने ठिंडा दिच तार करके बदलता ही आ काशी करूल तेरे मरगढ़ का मैं सोल तेरे काशी करूल तेरे मरगढ़ का मैं सोल वो करे कल्याण कबूल मने क्या कह दिया रे क्या कह दिया उस दुखिया का इकलौता पुत्र चला गया। हाँ मालिक साहब। अच्छा लेकिन एक बात बता हरिया। हाँ मालिक साहब। उस मालिक के आगे तो किसी की भेष नहीं चलती, चाहे किसी परिवार में 10 पुत्र हो चाहे 1 पुत्र हो, लेकिन इंसान इंसान की मदद कर सकता है। मालिक साहब मैं समझता था हाँ कि ये इंसान तो किसी के दुख में हंस भी सकता है। अच्छा किसी को दुखी छोड़कर जा भी सकता है, लेकिन मुझे लगने लगा कि भगवान भी कठोर हो गया है, शायद भगवान को भी दया खत्म हो गई है। ऐसा तो कुछ नहीं है हरिया, आगे बताओ क्या हुआ। उस बेवारिस के वारिस ने भी करी ना दया बेवारिस न हो गया से दुख और भी नया बेवारिस न हो गया से दुख और भी नया यार के पूछेगा काले रे कुछ जाता ना कोया बेवारिस के एक बेटा तो
मोरे नारया बेवार सिख खास उसके पैसा नहीं पास वाथी बेवार सिख खास उसके पैसा नहीं पास ले लिया रे ले दिया तेरी निकासी करो लेते मरगढ़ का मैं सो लेते निकासी करो लेते मरगढ़ का मैं सो ओ करे तल्ले ने कबूल मने ले दिया रे ले दिया कर मांगा जब मालिक मैं भी सोच करूं था लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरू था लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरू था ओ सच पूछे ते मालिक मरण में प्यार करूं था लड़के की चिता मैं जलके आप मारू था मैं तो लड़के की चिता मैं जलके आप मारू था उसकी माता गई नाटे लिया हाथ पकड़ के डांट उसकी माता गई नाटे लिया हाथ पकड़ के डांट लेता अपने सर ने काट मैं तो हरिया हाँ मालिक साहब वो कौन और किसकी चिता थी जिस चिता में तू जड़ के मरना चाह रहा था और वो कौन औरत थी जिसने तेरे हाथ को पकड़ के रोक लिया आखिर तू कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हरिया हमें सच्चाई बात नहीं बताई अभी तुमने आखिर तुम्हारा उस मुर्दे से क्या रिश्ता है और उस जो तुम्हारे शमशान में औरत आई है उस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता है मुझे साफ साफ बताइए मालिक साहब। हाँ कहते हैं झूठ छुपाया छुप नहीं सकता मैंने एक बात आपसे छुपाई कौन सी बात छुपाई हमसे आप मालिक है मैं नौकर हूँ भगवान का दर्जा आपका है हाँ मैं कौन हूँ और किस विपत्ति में हूँ मैंने ये बात आपसे छुपाई है आखिरी समय मेरा चल रहा है अगर तेरा आखिरी समय चल रहा है तो उस दास्ता को भी खोल दे तूने हमसे कौन था राज कौन सी बात छुपा रखी है उस बात को हमें बताइए हरिया मैं कौन हूँ हाँ मैं बता देना चाहता हूँ मेरी बात बताइए फिर फ्री गुरु की मेहर दया चंद ज्ञान घूट गया जिसकी छाव में बैठूं था वो रुख टूट गया जिसकी छाव में बैठूं था वो रुख टूट गया वो दुखियारी का एक बेटा नाग चूट गया नाम से हरिश्चंद्र मेरा पांडा फूट गया नाम से हरिश्चंद्र मेरा पांडा फूट गया मेरा आलिया वक्त यखीर उसका लाया तार के चीर मेरा आलिया वक्त यखीर उसका लाया तार के चीर वो से मुझ दुखिया की
पीर मैसू उस पापिया रे क्या कह दिया तेरी हासी करते मरगर का मैसूल हासी करते मरगर का मैसूल मन क्या कह दिया